हेलो गाइस, तो आइए आपको हमारे फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होगा और इससे आपको सीख भी मिलेगी। इससे आपको दो से अधिक भी सीख मिल सकती है। वो क्या है गाइस, इससे आपको एक तो इस वीडियो में जो बातें मैं कहूँगा वो सीखने को मिलेगा और उसको अप्लाई करने को मिलेगा। अगर आप एक यूट्यूबर नहीं हैं तो गाइज़ आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उससे आपको ये भी सीख मिलेगा, आप अपने साथ उसको अप्लाई कैसे कर पाएंगे उसमें आपको ये फ़ायदा होने वाला है। तो गाइज़ चलिए हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शायक अनवर और आप देख रहे हैं SA स्मार्ट टिप्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले गाइज तो हम चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो गाइज़ आप देख रहे हैं कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन में आ गए हैं। तो गाइज़ आपको यहाँ पर करना क्या है, तो गाइज़ आप इस वीडियो के थंबनेल देखकर ही पता लगा सकते हैं, पता लगा लिए होंगे कि इस वीडियो में मैं बताने वाला क्या हूँ। तो असल चलिए गाइज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपका जो फुल फ़ोटो जो होता है वो आपके व्हाट्सएप के DP में नहीं लग पाता है, तो उसको आप अपने DP में कैसे लगा सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, उस एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ देख सकते हो उस एप्लीकेशन का सिंबल। उस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सग्रुप नाम है उस एप्लीकेशन का। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट फ़ोटो और एक सिलेक्ट क्रिएशन। तो मैं सिलेक्ट क्रिएशन आपको बाद में बताऊँगा ये क्या होता है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं फ़ोटो को, तो सिलेक्ट फ़ोटो में क्लिक करेंगे और गैलरी का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो गैस यहाँ इस तरह से हमारा फ़ोटो आ गया है। तो गैस अब यहाँ पर मैं एक ऐसा फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ जो हमारा फुल फ़ोटो है उसको। तो गैस यहाँ देख रहे हैं ये फ़ोटो मेरा रोटेट किया हुआ। तो गैस यहाँ पर ऊपर का तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये गोला का निशान जो दिखाई दे रही है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो घूमने लगेगा इस तरह गोल गोल, देखिए ये घूम रहा है। तो इस तरह से हम सही कर देंगे। तो गाइज आपको यहाँ पर सही से अपना फ़ोटो को ये कर लेना है। उनके बाद आपको ये राइट का जो ऑप्शन, सही का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गाइज आप चाहे तो इसको इस तरह साइड में ला सकते हैं या इस तरह ला सकते हैं, इसको चाहे इस तरह बड़ा कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं। तो चलिए हम इतना ही रखते हैं और यहाँ बीच में कर देते हैं। और गाइस यहाँ से अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बगल में इस तरह से आपको मिल जाएगा यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए। यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर चेंज इस तरह से हो गया। इस तरह से गाइस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये देखिए, इस तरह से अगर आप इस तरह से इसको इस तरह से बढ़ाएंगे तो आपका पीछे वाला जो बैकग्राउंड का फ़ोटो वो साफ दिखेगा, इस तरह से धुंधलापन। चलिए हम इसको इस तरह से ही रखते हैं। तो गाइस चलिए अब यहाँ ओके में हम यहाँ ऊपर में राइट का निशान जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोटो कितना यूनिक लग रहा है। तो गाइस अब आपको यहाँ पर जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहा है, एक मिल रहा है जो मिल रहा है सेलेक्ट व्हाट्सएप DP और एक शेयर व्हाट्सएप ऐप। तो गाइज़ यहाँ सेलेक्ट व्हाट्सएप DP में क्लिक करते हैं। तो जैसे सेलेक्ट व्हाट्सएप DP में क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ डन में क्लिक करके यहाँ देखिए मेरा वो फ़ोटो आ चुका है, यहाँ मेरा व्हाट्सएप के DP में देखिए वो फ़ोटो लग चुका है गाइज़, देख सकते हो वो फ़ोटो लग गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी